तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 11th का जो इंग्लिश का पेपर आया था बॉयज़ का इवनिंग शिफ्ट का, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें देखें क्या आया है, इजी आया पेपर या ज़्यादा हार्ड है। और जो मैं इंग्लिश का है ज़्यादा कुछ नहीं करवा पाया था, ग्रामर करवा पाया था। तो देखते वैसे क्या है, इसका रिव्यू लेते हैं क्वेश्चन का। तो पहले जो आता है आपका क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो आता है आपका पैसेज, जो है इसे पढ़ के आंसर देना होता है। तो ये है आपका पैसेज है और यहाँ पर ये क्वेश्चन है। द पहला क्वेश्चन जो ए है, द ऑथर न्यू दैट दैट पूरन हैड स्पॉटेड अ टाइगर येट ही रिमाइंड एट हिज स्पॉट वाई। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे, इसमें इसे पूछ रखे। और ये जो है आपका ये जो पैसेज है ये किसी जो है ना नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें जो है अलग अलग जानवरों के बारे में बता रखा है और एक कहानी भी है बताया उसमें। तो ये है, इसमें हिंदी होगी इसकी पहले ए की। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो जानता था, द ऑथर न्यू जानता था दैट पूरन हैड स्पॉटेड अ टाइगर, कि जो पूरन है उसने टाइगर को देखा, एक टाइगर को, बाघ को देखा, बट उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहीं खड़ा रहा। क्यों? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ये। फिर उसी में से आपका ये आपके एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन हैं। फिर आपका दूसरा है जो उसी में से है, और ये दो दो नंबर वाले शायद क्वेश्चन है, या एक एक नंबर वाले ही है ये भी, एक एक नंबर वाले ये भी आपके 1.2 जो है आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। अगला है 1.3, तो इसमें जो है आपको कोई पैसेज जो होता है उसका वो एक तो ये बता रखा है, जो पहला है आपका हैबिटेंट्स, तो उसमें पैरा 1 में इसका मींस क्या है, या इसका जो दूसरा सिमिलर वर्ड है वो क्या है। दूसरा है एक्टिव एट नाइट रैदर देन ड्यूरिंग डे, पैरा 2 है, तो इसका भी ये पूछ रखा है। फिर आपका आता है दूसरा पैसेज, दूसरा क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका है पैसेज ये भी है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, नोट मेकिंग तैयार करनी पड़ती है और एक समरी लिखनी पड़ती है जो कि 80 से 100 वर्ड की हो। जो नोट मेकिंग है वो जो 5 नंबर का आता है, और पैसेज है आपका जो राइट समरी लिखना है आपको वो 80 से 100 वर्डों में लिखना है, वो 3 मार्क्स का है। तो जो हमारा था, जो हमने करवा रखा था, वो नोट मेकिंग करवा रखा था। और अगला है सेक्शन बी जो ग्रामर का है। तो तीसरा है ये क्वेश्चन, यू वांट टू सेल, तुम चाहते हो अपनी कार बेचना, यू आर गोइंग अब्रोड अब्रोड, ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जो आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टू बी पब्लिश्ड इन क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल डेली, डोंट फॉरगेट टू गिव नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द कार एंड एक्सपेक्टेड प्राइस, यू आर अरुणा आसिफ लिविंग एट, ये आपका एड्रेस है। तो आप जो है एक कार बेचना चाहते हो और जो है उसमें आपको कार की डिटेल डालनी है और उसके प्राइस भी डालना है, तो ये तो मैंने नहीं बताया था करना, टाइम कम था तो नहीं बता पाया। ये क्या है, दूसरा है जो आपका अथवे में नवजीवन पब्लिक स्कूल विवेकानंद कॉलोनी दिल्ली इज ऑर्गेनाइज अ साइंस वीक, इसमें आपका दे रखा है आपको जो है इसमें नोटिस तैयार करना है। तो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है नहीं करवा पाया, लेकिन नोटिस जो होता है आपका जो यहाँ पर होगा सबसे ऊपर जो है जाएगा नवजीवन पब्लिक स्कूल विवेकानंद, ये ऊपर होगा आपके। फिर उसके बाद आता है एक वो सब हेडिंग सा आता है, दूसरी हेडिंग जो आएगी आपकी साइंस वीक, उससे इससे साइंस वीक से पहले आपको एक डेट लिखनी है, फिर उसके बाद साइंस वीक लिखना है, फिर आपको जो है स्टार्ट करना है अपना नोटिस। तो नोटिस की जो शुरुआत होती है तो ऐसे होती है कि ऑल द स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म डेट, सभी स्टूडेंट है उसको सूचित किया जाता है, ये स्कूल के बारे में बोल रहा है तो स्कूल में स्टूडेंट आप लगा सकते हैं, कि
All the students are hereby informed that our school is going to organizing a science week day in our school. हमारे स्कूल में ये मनाया जा रहा है. फिर उसके बाद आपको टाइम डेट जो भी है समय कहाँ मनाया जा रहा है इन द ग्राउंड ये सब डाल के अपना लास्ट में नाम और साइन होगा और ये आपका नोटिस तैयार होगा. और आपको कुछ बीच बीच में जो है इससे जुड़े साइंस वीक से जुड़े वहाँ लिख देने हैं एक दो लाइन तो आपका नोटिस तैयार. और ये आता है आपका 4 नंबर का. अथवे में था, अथवे वाला इजी था इसीलिए नोटिस बताया मैंने. और ये मैंने अभी तक वैसे सेल परचेस और सेल ये आप कर लेंगे आसानी से, वैसे मैंने बताया नहीं है. यू आर संजय सुधा ऑफ B36 वसुधा इनक्लव दिल्ली. यू आर एन SMC मेंबर ऑफ वसुधा SR. सेक्टर स्कूल विराट नगर दिल्ली. ऑन योर विजिट टू द स्कूल यू नोटिस द ट्यूबलेट्स एंड फैंस इज मोस्ट ऑफ द क्लासेस वेयर नॉट वर्किंग. जो आप गए एक स्कूल में और आपने देखा स्कूल में जो है ट्यूबलाइट्स और फैन है यानी पंखे और लाइट है वो जो वर्क नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है द स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू गेट द फैकल्टी एप्लीकेशन रिपेयर्ड रिप्लेस्ड एट द अर्लिस्ट ईयर लिस्ट. तो आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है वो भी प्रिंसिपल को कि आप जल्दी से जल्दी इसे रिपेयर करवाएं. यह है या तो आपके अथवे में है, यह है आपका लेटर टू द एडिटर. एडिटर का मैंने बहुत अच्छा करवा रखा था और वो आप इस किसी भी लेटर में यूज़ कर पाएंगे आप उसका. ये नहीं, ज़रूरत नहीं है कि कोई और आ गया तो, सब में यूज होता है वो, मैंने करवा रखा था. यह है आपका जो है एडिटर का लेटर. टाइम कम है इसीलिए मैं जो है आंसर नहीं दे पा रहा हूँ पूरा, क्योंकि मेरे को जो है ज्योग्राफी की वीडियो बनानी है कल, जो गर्ल्स का शायद पेपर है. 5वां क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली इंक्वायरिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्स इन थिएटर बीइंग ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट. यू आर शेष या रजत ऑफ ये एड्रेस है. तो लेटर लिखना आपको डायरेक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. ये था लेटर था ये भी. और ऑप्शन में आपका अथवे में है यू हैव लर्नड दैट MC वे अ लीडिंग फास्ट फूड जॉइंट इन योर सिटी हैज एडवर्टाइज समर जॉब्स. ये जॉब लेटर है आपका और जॉब लेटर का भी मैंने इजी फॉर्मेट बता रखा था कैसे करते हैं. अगला है आपका जो है ये है ये आर्टिकल है. आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल भी नहीं बता पाया मैं. और ये अथवे में है आपको ये जो है स्पीच है, ये स्पीच है. अगला है 7वां क्वेश्चन तो आपको इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट लिखना है. तो ये जो इसमें इनकरेक्ट है ये सब, इनमें आपको इनकरेक्ट पहले लिखना है इधर और फिर करेक्ट इधर लिखना है. अगला 8वां क्वेश्चन है तो ये आपके दो है फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है ये. तो इसमें भरना है आपको क्या सही होगा. अगला है आपको ये है आपका जो सेक्शन सी है पोएम का है ये. तो देख लीजिए क्या पोएम आया था. और 10वां है क्वेश्चन आंसर है ये बुक से है. तो आपको इनमें से किसी 5 का आंसर देना है, 6 दे रखे हैं. और 11वां क्वेश्चन 6 नंबर के, ये जो 6 नंबर के और सब में अथवा है, इसमें सब में अथवा दे रखा है. तो ये था आपका जो है क्वेश्चन पेपर. और ये मैंने करवाया नहीं था तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या है इसमें कठिन क्या है. वैसे जो मेरे हिसाब से कहूँ तो मैं पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, इजी आया था. और जो क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने कराए नहीं थे तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में. तो अब जब भी तैयारी हो, अब जब भी कोई अगला पेपर आएगा उसको तो मैं आपको पूरा जो है सॉल्यूशन दूंगा. तो वीडियो का एंड करते ये था आपका आज का वीडियो. तब तक के लिए जो नई वीडियो आ रही है उसको तो देखना ही देखना, ज्योग्राफी का जिसमें आपके जो है मैप्स के क्वेश्चन आएंगे
और कुछ हो सके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा सकूं। तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन भी दबा देना ताकि जो आने वाले अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।